तो कैसे हैं आप लोग? तो बहुत बुरे हैं हम लोग। बट मजाक से हटके आज की इस वीडियो को देखकर आप बोलोगे आग लगा दी, 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 आग लगा ओ वो वाली आग नहीं, वीडियो में आग लगा दी ऐसा बोलोगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के प्रश्न क्रमांक 11 के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट से भी महा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी ये रियल पेपर नहीं है, लेकिन जैसे ही रियल पेपर आएगा पूरी यूट्यूब पर, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी, जितनी भी पूरी यूट्यूब है, सभी चैनलों से हम सबसे पहले आपको हम प्रोवाइड करा देंगे पेपर। कोई सोच भी नहीं सकता, सबसे पहले हम बता देंगे आपको पेपर। चिंता मत करना अगर रियल पेपर आता है तो। और ये जो अभी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ महामूर्ख बनाया जा रहा है बच्चों को, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर कुछ लोग डाल रहे हैं कि एक यूट्यूब चैनल वाले ने क्या डाल दिया, देख सकते हैं उसकी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, उसमें क्या डाल दिया उसने, 12वीं के पेपर बता के, मतलब 11वीं का नाम छुपा के 12वीं के पेपर बता के बोल दिया कि यही है आपका असली पेपर, इसे ही कर लो, यही है 12वीं के पेपर, 12वीं के पेपर धर के नीचे उसी के वीडियो शूट करके आपको बता के बेवकूफ़ बना दिया। कितना हंसी आती है इन पागलों के वीडियो देखने में। यही नहीं, अभी और सुनिए, बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। अभी हम आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे, इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करो, क्योंकि ये जिंदाबाद प्रश्न हैं और ये आते ही रहते हैं हर वर्ष की तरह, अब बार बार मिलाना इन प्रश्नों को, ये आते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 सिक्स नंबर का आना है, उसमें से हम कुछ से 8-9 या फिर 6-7 प्रश्न देखेंगे, उसमें से आपके 3-4 आएंगे और वो आपके 6 नंबर में आ रहे हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाँ, फाइनली गाइस, स्टार्ट हो जाओ, उठाओ अपने दोनों हाथ, तो यहाँ पर फर्स्ट, उसके बाद जो है आपका सेकंड, उसके बाद है जो आपका थर्ड, इन्हें आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये जो इन्हीं में से आपका पेपर में आएंगे, जितने भी अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 में 3 आते हैं, तो मैं आपको इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा उनमें से आपके 3 बराबर आपके आ जाएंगे। यहाँ पर इन सभी को, इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो, एक ही स्क्रीन पर मैंने तीनों बता दिए हैं, बहुत बहुत प्लीज़ 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 इसको अच्छे से कर लो, इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये आपके आने ही आने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ, और इन सभी को अच्छे से कर लेना, एक एक से इन तीनों को, उसके बाद इन सभी को करने के बाद हम आगे अगले प्रश्न देखते हैं अपने। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न देखते हैं। तो इन तीन प्रश्नों के बाद इन्हें आपको इस जो अंग दिया है पांचवा, मतलब चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, इनको भी अच्छे से कर लेना, ये आपके प्रश्न बैंक के ही प्रश्न हैं और उन्हीं के उत्तर हैं, ठीक है। ये आपके प्रश्न बैंक के ही प्रश्न हैं और उन्हीं के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने के लिए तरस रहे हैं, इसलिए हे छात्र आपसे निवेदन है कि इन सभी को याद करना है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, मैं अभी बता दूँ, याद भी करना है इन सभी को, और ध्यान रहे इन्हीं पर ही डिपेंड मत रहना, कुछ अपनी तरफ से भी तैयारी करना, नहीं तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये रहे आपके आगे इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है, स्क्रीनशॉट करके याद कर लेना है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 में देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जो सभी प्रश्न हैं मैंने आपकी प्रश्न बैंक से ही तैयार किए हैं, मतलब वहीं से लिए हैं, और इनके आंसर भी एक एक से लिखे हैं और आपको बताए जा रहे हैं एक आसान से वीडियो के माध्यम से। तो मतलब मैं इन्हीं के इतनी आंसर बता रहा हूं, क्योंकि जो आपके प्रश्न बैंक है उसमें ये जो आंसर हैं बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, बहुत ही लंबे, इसलिए इन छोटे छोटे आंसर को आप याद कर लो, ठीक है। तो उसके बाद आपको इन दो प्रश्नों को और भी अच्छे से कर लेना है, ये जो भी महा इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ही लिस्ट में आते हैं, और इसके बाद इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद आपके हैं जो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद, यदि आपने इन सभी को याद कर लिया तो गारंटी से 6 नंबर पक्के, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, एक एक नंबर का फंडा यहाँ पर है अभी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेट ठोक दीजिए।